क्या चाहिए था अभिषेक फैंस को? यही तो चाहिए था कि इंसाफ हो, करण जौहर करें या सलमान खान करें, लेकिन एक बार इंसाफ तो जरूर करें और वो भी अभिषेक के साथ। अभिषेक की मजबूरी का जो फायदा उठा रहे हैं, अभिषेक की चुप्पी का जो लोग जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको बताना चाहता हूं कि होस्ट ने कर दिया है उन पर वार। नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल टेली खजाना में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल राहुल बोच कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है, एक बार जाइए जाके ढेर सारा प्यार बरसा डालिए, क्योंकि अभिषेक की एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे कि वाह राहुल भाई, मतलब वीकेंड के वार की बातें तो आपसे बेहतर और कौन बताए। अब दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, गुप्तेश्वर ने मुझे ये पर्सनल जानकारी देकर बता दिया है। पहले तो मैंने मुनव्वर पर क्या फैसला है ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे आयशा पर बैक टू बैक वार हुए हैं और आयशा को यही बोला गया है कि बहन तुम जो है अभी ये चीजें लेकर आ रही हो, व्हाट इज दैट। हाँ, खैर, वैसे खैर आयशा की बात छोड़िए, यहाँ पे हम बात करते हैं ईशा मैडम की। जी हाँ, द प्यारी, द नॉटी, द चुलबुली काइंड ऑफ गर्ल, जो बिग बॉस के घर के अंदर अभी कोई मुद्दे नहीं है और सिर्फ हर एक बात पे अभिषेक 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 अभिषेक, कुकिंग में अभिषेक, हर चीज में अभिषेक 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 जो लगा कर रखती है, उस पर फाइनली करण जौहर साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। यह हफ्ता हमने देखा अभिषेक ने अपनी गलतियों का रियलाइज किया, जिसके चलते अपने खास दोस्त मुनव्वर को भी उसने पूरी तरीके से आईना दिखा दिया था और यही बात बोली थी कि तू क्या, तू तो गेम के लिए चीजों को इस्तेमाल करता है और तूने तो जो है मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था विकेट के वार पे, राइट। खैर, वैसे यहां पर सलमान साहब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन करण जौहर ने ईशा पर जबरदस्त क्लास ले डाली और यही कहा कि तुम्हारे मुद्दे ही नहीं है क्या, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक 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 24 घंटे तुम्हारा यही चलता रहता है, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, तो अभिषेक ऐसा। ईशा, अपने खुद के स्टैंड लो, अपने खुद की बातें रखो, ये सब करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जी हाँ, और ये साफ देख के लग रहा है दैट यू आर नॉट डन विद अभिषेक और तुम अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। खैर, वैसे इन बातों को सुनने के बाद अभिषेक फैंस और अभिषेक को काफी ज्यादा राहत तो मिली है, बिकॉज ईशा ने तो हद पार कर दी थी यार। मैं भी हर डे के रिव्यू में मैंने उसको नाम कॉल आउट किया, हर डे पे मैंने ये बात बोली कि बहन इसकी प्रॉब्लम क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि वो हर टाइम पे ये किया अभिषेक ने किया, ये हुआ अभिषेक से हुआ, ऐसा हुआ अभिषेक से हुआ, ये हुआ अभिषेक ने किया, पीछे से टोंटबाजी करना, वहां तब्बू मैम आई थी उसमें भी टोंटबाजी करना, तो भाई ये सब चीजें ना चलने वाली, राइट। तो ऐसे में अब ये अच्छी बात है कि चलो कम से कम सच्चाई सामने आ गई एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो अच्छी बात है कि इस तरीके से यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई हैं कि ईशा जो है वो बैक टू बैक अभिषेक को ही टारगेट कर रही थी। व्हाट इज योर रिएक्शन, आर यू हैप्पी? तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे दूसरे चैनल राहुल भोज कॉमेडी सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे जाके राहुल भोज कॉमेडी, तो वहां पे तो भाई बिग बॉस के बाद फिर मजे ही मजे आने वाले। बाय बाय।